तो जैसा मैंने आपसे कल की वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जैसे जियो सिनेमा का अभी फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है जिसमें हर रोज एक ऐसी बढ़िया शॉर्ट मूवी रिलीज की जाने वाली है जो बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है, मतलब के टॉप क्वालिटी वाली शॉर्ट मूवीज जिन्हें मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हर शॉर्ट मूवी हमें हर रोज देखने को मिलेगी, जैसे जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिनमें से तीन मूवीज अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें पहली मूवी थी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े कॉमेडियन लेट मिस्टर सतीश कौशिक जी की, जो इसी साल 9 मार्च को चल बसे और हमारे बीच नहीं रहे। उनकी आखिरी शॉर्ट फिल्म है ये, जो अभी जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें उन्होंने एक रियल लाइफ कॉमेडियन हसमुख लाल जी के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, जिनकी खुद की जिंदगी में भी स्ट्रगल चल रहा था और वो अभी एक बड़ी ब्लॉगर से मिलने वाले हैं जो भी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, जिसको कैंसर हुआ है। तो दोनों की आपस की जिंदगी से लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है, जो छोटी सी कहानी वाली छोटी सी मूवी जियो सिनेमा पे अभी फ्री में देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद अभी कल के दिन में मींस के 30 सितंबर को जियो सिनेमा पे रिलीज की गई एक पंजाबी शॉर्ट मूवी बिरहा द जर्नी बैक होम, जिसे 2022 में रिलीज किया गया था और इस मूवी ने भी कुछ अवार्ड्स जीते हैं, जिसकी कहानी पंजाब के एक गांव में सेट है और ये मूवी ज्यादातर पंजाबी लैंग्वेज में ही फिल्माई गई है, जिसमें हमें एक पंजाब के छोटे से गांव की कहानी देखने को मिलती है, जहां पे एक बंदे के बड़े सपने उसकी जिंदगी को किस ओर आगे ले जाते हैं, वही हमें सस्पेंस और ड्रामा के साथ दिखाया जाता है इस मूवी में, जो उसकी पास्ट की जिंदगी के पाप अभी उसके सामने रखने वाली है। इसके बाद 2019 में रिलीज हुई एक बढ़िया सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड शॉर्ट सस्पेंस ड्रामा मूवी बेबाक, जिसमें हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं और कहानी एक यंग लड़की की होती है जो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अभी उसका धर्म उसको आगे बढ़ने से रोकने वाला है, कैसे उसको रोकता है और क्या होता है उसके साथ, वही हमें इस मूवी की छोटी सी कहानी में दिखाया जाता है, जो अभी आज मींस के 1 अक्टूबर से जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और इस शॉर्ट मूवी की कहानी सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड है, मतलब के असल में भी एक लड़की के साथ ऐसा हो चुका है और आगे भी होता रहेगा जब तक हमारा कल्चर बदल नहीं जाता। इसके बाद 2023 में ही रिलीज की गई एक नई शॉर्ट थ्रिलर ड्रामा मूवी रेट इन द किचन, जिसे अभी कल से मींस के 2 अक्टूबर से जियो सिनेमा पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, जो एक 22 मिनट की मूवी है और कहानी एक ऐसे बंदे की दिखाई जाने वाली है जो अपने डिवोर्स के बाद अकेला अपने घर में रहता है और जब भी काम से शाम को वापस लौटता है उसके घर का किचन उसको उथल पुथल हुआ मिलता है, तो उसे लगता है कि घर में एक बड़ा चूहा है जो उसके किचन में पार्टी करता है, तो इसके लिए वो एक सीसीटीवी लगा देता है, जिसके बाद एक और ही ट्विस्ट निकल के सामने आता है जो उसे भी शॉक में डाल देता है। क्या होता है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी कल से ही जियो सिनेमा पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद 2022 में रिलीज की गई एक बढ़िया शॉर्ट ड्रामा मूवी मैं महमूद, जिसमें हमें एक ऐसे मिडिल एज बंदे की कहानी दिखाई जाने वाली है जो अभी दुबई में काम करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, तो कैसे उसको वहां पे परेशानी झेलनी पड़ती है अपनी लैंग्वेज को लेके, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसकी जिंदगी और जॉब वहां पे कैसी रहने वाली है, वही हमें इस शॉर्ट मूवी में दिखाया जाने वाला है, जिसे अभी 3 अक्टूबर से जियो सिनेमा पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद शाहिद कपूर की मम्मी जी की एक नई शॉर्ट ड्रामा मूवी गैंगस्टर गंगा, जिसे अभी 4 अक्टूबर से जियो सिनेमा पे रिलीज किया जाने वाला है और इसमें कहानी हमें मेन रोल सुप्रिया पाठक जी की देखने को मिलने वाली है, जो एक ग्रैंड मदर का रोल प्ले करने वाली है और कहानी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन की होने वाली है, मतलब के दो ऐसी जनरेशन की जिनमें एज गैप काफी ज्यादा होता है, जो अपने आप को गैंगस्टर गंगा बुलाती है लेकिन असल में वो गैंगस्टर होती नहीं है, बस उसका अपने आप को एड्रेस करने का ये तरीका होता है, तो कैसे उसके पोते के साथ उसका रिश्ता रहता है वही हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा हंसते हंसाते हुए। इसके बाद है एक और शॉर्ट मूवी जिसका नाम है मुन्ना का बचपन, जिसे 5 अक्टूबर से जियो सिनेमा पे रिलीज किया जाएगा और ये मूवी कहानी हमें मुन्ना नाम के बच्चे को दिखाने वाली है, जो छोटे से गांव का बच्चा है और उसका बचपन उसकी जिंदगी पे कैसा इफेक्ट डालता है और उसे कैसी कैसी स्ट्रगल से होते हुए गुजरना पड़ता है, वो उसकी मिडिल क्लास की जिंदगी को दिखाने वाला है। इसके बाद है 2023 में ही बनी हुई अमित साध के साथ एक एक्शन थ्रिलर शॉर्ट मूवी घुसपैठ बिटवीन बॉर्डर्स, जिसमें हमें एक फोटो जर्नलिस्ट की कहानी दिखाई जाने वाली है जो अपनी फैमिली के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी जिंदगी की खोज में, जिसके पीछे मुजाहिदीन का एक ग्रुप पड़ा होता है जो उसे और उसकी फैमिली को मारना चाहता है और उसे बॉर्डर क्रॉस करने से रोकना चाहता है। बाकी असल में कहानी किस ओर जाती है और क्या इस कहानी का अंत होने वाला है, वही हमें छोटी सी कहानी में दिखाया जाएगा। इसके बाद 7 अक्टूबर को नसीरुद्दीन शाह जी के साथ रिलीज होने वाली एक नई शॉर्ट ड्रामा मूवी द डॉटर, जिसमें हमें इंडिया की कहानी दिखाई जाने वाली है, जहां पे दंगों में से निकलते हुए एक बंदे की कहानी होने वाली है जिसे उसके देश के कानून ने काफी तकलीफ पहुंचाई होती है, अपने पेरेंट को खोने के बाद कैसे उसकी इमोशनल जर्नी आगे बढ़ती है वही हमें कहानी में इमोशनल करते हुए दिखाया जाएगा। इसके बाद है एक और नई हिंदी शॉर्ट मूवी जिसका नाम है लार, जिसे अभी 8 अक्टूबर से रिलीज किया जाने वाला है जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री में ही, जिसमें मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन इस मूवी का प्लॉट मुझे देखने को नहीं मिला, जिसके टाइटल से तो यही लगता है कि इस मूवी की कहानी कुछ लालच से भरी हुई होने वाली है। बाकी देखते हैं इस मूवी के रिलीज होने के बाद कैसी कहानी निकलती है।
इसके बाद है द केरला स्टोरी के साथ काफी पॉपुलर हुई इंडियन एक्ट्रेस अदा शर्मा, जिसकी एक नई शॉर्ट मूवी आने वाली है जिसका नाम है कोफूकू, जिसे अभी 9 अक्टूबर से जियो सिनेमा पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें सदफ नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है जो मसूरी के एक कैफे में एक अनजान बंदे से मिलती है जो उसे मसूरी दिखाने का प्रॉमिस करता है। लेकिन उसके बाद कहानी ऐसे आगे बढ़ती है जो सदफ की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। क्या होता है वही हमें इस छोटी सी कहानी में देखने को मिलेगा। इसके बाद है एक इंडियन बॉक्सर की कहानी को दिखाने वाली एक नई शॉर्ट स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन ड्रामा मूवी अरमान, जिसमें हमें अरमान नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसका सपना होता है एक बड़ा बॉक्सर बनना, लेकिन अपने फादर को अपने सपने के बारे में कहने से डरता है और उसी डर के चलते हुए उसे अपना फैमिली का बिजनेस आगे बढ़ाना पड़ता है। बट एक दिन हिम्मत जुटा के वो अपने फादर को अपने सपने के बारे में बताता है, जिसके बाद उसको एक बड़ी ना सुनने को मिलती है। उसके बाद उसका स्पोर्ट्स करियर कैसे आगे बढ़ता है वही हमें इस मूवी में इंस्पायर करते हुए और थोड़ा सा इमोशनल करते हुए दिखाया जाए। इसके बाद है 2021 में रिलीज हुई एक शॉर्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी कमिंग आउट विद द हेल्प ऑफ ए टाइम मशीन, जिसे अभी 11 अक्टूबर से जियो सिनेमा पे रिलीज किया जाने वाला है और कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जो अपनी एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में रहता है, लेकिन उसे एक टाइम मशीन मिलती है जिसके बाद वो अपने पूरे दिन की सुबह में वापस जा सकता है और दिन में क्या होने वाला है उसको वो बदल सकता है। तो इस कहानी में कैसे वो हंसते हंसाते हुए हमें आगे बढ़ता है वही हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। इसके बाद है 2022 में रिलीज हुई एक बढ़िया शॉर्ट इमोशनल फैमिली ड्रामा मूवी द लास्ट एनवलॉप, जिसमें हमें एक बुजुर्ग कपल की कहानी देखने को मिलेगी जो अपने बेटे का इंतजार करते रहते हैं जो काफी साल पहले यूएस में गया था। तो अभी उनका बेटा तो उनसे मिलने वापस नहीं आता, बट अभी वो एक एक्टर को पे करने वाले हैं एक दिन के लिए उनका बेटा बनने के लिए। बाकी कहानी कितना इमोशनल करती है और कितना रुलाती है वही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिसमें अनु कपूर हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद है एक नई कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा मूवी मूर्ख द इडियट, जिसे अभी 13 अक्टूबर से जियो सिनेमा पे रिलीज किया जाएगा और कहानी अब्दुल नाम के एक ऐसे लड़के की होने वाली है जिसका सपना होता है ऑस्ट्रेलिया में जाना, लेकिन उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो अभी वो प्लान करने वाला है एक फ्लाइट को हाईजैक करने की और हाईजैक करते हुए ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने की। बाकी उसका प्लान ये कैसे आगे बढ़ता है और क्या होता है आगे कहानी में वही हमें इस छोटी सी कहानी में देखने को मिलेगा। इसके बाद 14 अक्टूबर को रिलीज होने वाली एक शॉर्ट ड्रामा मूवी माचिस की डिबिया, जिसमें हमें एक टीवी एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है, बट इस मूवी का भी प्लॉट निकल के सामने नहीं आया है, जिसको भी देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी कहानी रहती है। इसके बाद है 2021 में रिलीज हुई एक शॉर्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी रिंग मिली क्या, जिसे अभी 15 अक्टूबर से जियो सिनेमा पे रिलीज किया जाएगा, जिसकी कहानी एक रिंग की होने वाली है जो एक कपल की एंगेजमेंट रिंग होती है और अचानक से गायब हो जाती है। तो कैसे कहानी आगे बढ़ती है वही हमें थोड़े से रोमांस और थोड़े से हंसाते हुए दिखाया जाएगा। इसके बाद 2021 में रिलीज हुई एक शॉर्ट ड्रामा मूवी डेमी, जिसका भी अभी तक प्लॉट निकल के सामने नहीं आया है और ना ही गूगल पे ढूंढने पे कहीं पे मिल रहा है, जिसको देखने के बाद ही पता चलेगा कि कहानी कैसे रहती है, जो हमें 16 अक्टूबर से जियो सिनेमा पे ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद 17 अक्टूबर को रिलीज होने वाली एक और हिंदी शॉर्ट ड्रामा मूवी बिफोर वी डाई, जिसमें हमें एक वायरस की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसके दुनिया में आने के बाद कई मौतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस छोटी सी कहानी में दिखाया जाएगा, जो अभी 17 अक्टूबर से देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी जियो सिनेमा पे। इसके बाद एक नई रोमांटिक शॉर्ट ड्रामा मूवी फोन कॉल, जिसमें हमें एक ऐसे फोन कॉल की कहानी दिखाई जाने वाली है जो कई नए रिश्ते बना देता है। बाकी पूरी कहानी क्या रहती है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो 18 अक्टूबर से जियो सिनेमा पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी और यह जियो सिनेमा की आखिरी मूवी होने वाली है इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान। बाकी जियो सिनेमा पे और भी बहुत सारा कॉन्टेंट आने वाला है जिसकी अभी अनाउंसमेंट होनी बाकी है, तो जैसे जैसे अनाउंसमेंट होती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया अपडेट्स लेते रहने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।